और वो भी गिर जाएगी, उसको पकड़ो उसको पकड़ो। ओ लगी यार वो चेक कर, ओ फक यार गिर जाएगा, उधर कहाँ जा रहा है वो चेक करो यार। ओ फिर ओ भाई फिर से गिर गया यार, क्या कर रहे हो यार। भी गिर जानी, अगर मैं नीचे उतरा गिर जानी, ऊपर उठो देखो अपनी केटीएम के साथ ही ट्रैक करते। आ जा भाई भाई इसको लग गई यार, ओ पूरी बाइक नीचे हो गई थी भाई, पूरा पैर लग गया था भाई, कैसे हो गई थी। सही सीन है भाई, बाइक को नचा रहा है। क्या बात है यार, गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे अपने अपने घरों पे। आज का व्लॉग भी ग्राउंड वाली साइड से स्टार्ट हो रहा है और एकदम प्यारी धूप में, और आज थोड़े बहुत राइडर्स हमारे भदरवा वाली साइड से भी आए, अपने भाई वगैरह, और उनके साथ राइड हो रही है। बाइक का नाम मेरे को पता नहीं कौन सी बाइक है, अपाची की है। बाकी अपने साथ है आगे डोमिनर 400 और अपनी 200 और भी शायद एक दो बाइक से मेरे को पता नहीं। अभी हम एक प्यारी सी वीडियो बनाने जा रहे हैं धूप में, बहुत मन कर रहा था व्लॉग करने का, मैंने कहा यार चलो व्लॉग बनाएंगे, तो सारे आ गए भाई। आज हाफ स्लीव्स लगा के निकला हुआ हूँ भाई, देख रहे हो यहाँ पे वो सर्कस फिर से लग रहा है जो पिछले साल लगा हुआ था, बहुत मजा आया था यार, हमने एंजॉय करा था, अब फिर से लग रहा है चलो इस बार भी एंजॉय करेंगे फुल पावर यार। बाइक में थोड़ा बहुत फ्यूल कम है बट ज्यादा दूर नहीं जाना है, नॉर्मल सी एक राइड करनी है और उसके बाद देखते हैं फ्यूल डाल देंगे। बाकी यार हाफ फ्यूल लगा के बहुत मजा आ रहा है मेरे को राइड करने में, ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है हाथों में। थैंक यू भाई, किसी की गिरी थी यार। अभी किसी की कैब गिरी हुई थी तो भाई ने यार लागे दी, मैंने कहा थैंक यू। बाकी व्यू देख रहे हो, आसमान देख रहे हो कितना साफ है, चेक मारो यार। ओ भाई थम जा मेरी जान थम जा भाई, यहाँ पे देख रहे हो उड़ाए थे मैंने अरे ये बैरिकेड्स। आज मेरे में उतनी पावर नहीं है, मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ बिकॉज यार भूख लग रही है, प्यास तो नहीं लग रही बट भूख लग रही है, थोड़ा थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। बट यार आपके लिए व्लॉग बनाना है, फुल पावर बनाना है, कोई सीन नहीं होना चाहिए। ग्रुप राइड पे मैं बहुत डर के चलता हूँ भाई, क्योंकि यार हमारे किश्तवाड़ में ग्रुप राइड जब भी होती है ना कोई सीन हो जाता है पुलिस का यार। अरे आ जाओ भाई, बाकी सारी बाइक्स पीछे चल रही है, मेरा मन कर रहा है बाइक पकाने का। कितनी लीन हो गई थी यार, मैंने फिर करी नहीं, जूता लगने वाला था जब वो ग्रुप राइड करी तो अकेला चल के क्या फायदा ही भाई। ओ डोमिनर नहीं बनेगा भाई, डोमिनर के साथ नहीं बनेगा, लीन पे टक्कर दे सकता हूँ बट यार डोमिनर बहुत पावरफुल बाइक है। चलो भाई लीन मारते ओ पूरी बाइक नीचे हो गई थी भाई, पूरा पैर लग गया था, प्रॉपर लीनिंग हो रही है आज भाई, प्रॉपर वाली। ओ बाइक भाग रही है यार, सीरियसली बाइक भाग रही है, एक हाथ से कितनी चल रही है 101। नाइस यार भाई 200 है यार, 200 है, अगर अपने पास 390 हो तो सोचो क्या होगा यार, क्या रोड है यार, आज मन खुश हो गया ऐसी रोड्स पे आके। यार हमेशा हम यहाँ पे रुकते हैं बट यार आज रुकने वाले नहीं है हम, तेल तो मेरी बाइक में कम है, आई नो मेरी बाइक में तेल कम है बट यार मेरा मन कर रहा है भगाने का तो भगानी है। बाइक में शायद से एयर प्रेशर कम है, बाइक थोड़ा कंट्रोल करनी मुश्किल हो रही है यार। ये देखो यार सही सीन है भाई, बाइक को नचा रहा है। क्या बात है यार, वही पीछे वाले बंदे को देख रहे हो क्या हो रहा है। भाई पूरा ट्रैक वाला फील आ रहा है भाई, क्या बात है यार, पूरा ट्रैक वाली फीलिंग आ रही है भाई, क्या पिकअप है यार, मन खुश हो गया यार आज यहाँ आके, बट यार मेरी बाजू पूरी जल जानी है आज। अभी हमने रिजर्व में थोड़ी बहुत स्टार्ट करी हुई है बाइक, अभी बोल रहे हैं थोड़ा रुकते हैं बातचीत करते हैं, मैंने कहा रोड पे यार रुकना ठीक नहीं है, हम अपनी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे हम रुकते हैं, जहाँ पे वो खुला सा खेत है और ग्रीनरी है वहाँ पे मजा आता है बैठने में, बट यार थोड़ा सा सीन है धूप पड़ रही है, उधर पे बैठे का अभी कोई
मजा नहीं आना है, बट यार चलो बैठते हैं। तब भी वहाँ इवनिंग पे जब धूप खत्म होती है ना, उस टाइम मजा आता है वहाँ बैठने का यार। क्या मजा आ रहा है ना अभी बाइक चलाने का। वेदर देख रहे हो कितना सुहाना है यार भाई, ग्रीनरी वापिस आ रही है तो भाई मूड भी अच्छा हो रहा है, फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं यार। भी मैं बिल्कुल लो फील कर रहा था, बट यार राइड मार के इंसान को फील भी ओके हो जाता है यार। आसमान देख रहे हो बिल्कुल ब्लू ब्लू, और बीच बीच में क्लाउड्स है ना, तो अच्छा दिख रहा है बहुत ज्यादा। कि अपनी रील्स इस रोड पे बहुत सारी उठाई हुई है, आप इंस्टा पे जा सकते हो, वहां पे चेक करो। यहाँ पे भी हमने इसके नीचे बाइक चढ़ाई थी, पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, स्टॉप ही मारते हैं एक प्यारी सी, चेक करो। अभी यहाँ पे यार क्राउड हो जाएगा, तो इससे अच्छा ऊपर चढ़ाते हैं बाइक के, आ जाओ। हाँ भाई क्या मस्त मजा है यार यहाँ पे, इतनी प्यारी धूप में थोड़ी बहुत स्टॉपीज मारी मैंने, तो अभी यहाँ पे बाइकें लगाते हैं। अभी देख रहे हो नीचे से बाइक आ रही है, मन तो कर रहा था यार स्टॉपीज वगैरह मारूं, बट यार आपको पता है इस पे थोड़ा बहुत कंडीशन खराब है भाई। स्टॉपी में मेन चीज होती है बैक वाली ब्रेक, अगर बैक ब्रेक नहीं होगी तो इंसान स्टॉपी आराम से उतार नहीं पाता है, तो बाकी आपको पता है फिर सीन हो जाते हैं। देखते हैं कौन रेस जीतेगा। तो अब हम ऊपर चढ़ा रहे हैं बाइक है, यहाँ से मैंने डोमिनर पकड़ी है, केटीएम नहीं चढ़ेगी, तभी मैंने केटीएम नीचे रखा बिकॉज उसका टायर खत्म है, वो पहले भी नहीं चढ़ी थी। आगे देख रहे हो बाइक कैसे जा रही है, गिर जाएगा, उधर कहाँ जा रहा है वो चेक करो यार। ओहो भाई गिर गई भाई, देखा गिर गई, वो ये भी गिर जानी, अगर मैं नीचे उतरा गिर जानी, ऊपर उठो देखो भाई, इसको लग गई यार भाई। ओहो वो भी गिर जाएगी, उसको पकड़ो वो लगी यार, वो चेक कर। ओह फक यार, इसको स्टैंड लग लगी भाई। यहाँ पे पिछली बार भी हमें क्रैश हुआ था एक बंदे का, यहाँ पे होता ही होता है, यहाँ पे देख रहे हो कितना ऊपर है। उतरो उतरो यार, बाइक तो नहीं टूटी गई, बट यार यहाँ पे उतना हाईवे वाला सीन नहीं है तो बाइक बच जाती है, बाकी कोई सीन नहीं है। डोमिनर देख लो मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है भाई, अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया ना सीधा नीचे, पूरा नीचे जाना है, आराम से उतारना। अब ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है यार, फाइनली हो गई मेरी केटीएम, देख रहे हो उतरी नीचे। तौफीक भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई यहाँ पे क्रैश ही क्रैश हो रहे हैं यार, ऐसा सोचा नहीं था यार आज का भी यही सीन होगा। ये देखो यार भाई के कहाँ है, ये नहीं जाएगी। चलो फिर सारी गिरा दो भाई, आराम से उतरना, आराम से। वो देख मैं खुद लुढ़क गया ना, ऊपर से मेरी बाइक भी नहीं है, थ्रॉटल दो भाई। ओ भाई आराम से, ओ भाई फिर से गिर गया यार, क्या कर रहे हो यार, बोला भी था यार आराम से। इस बाइक का ही कोई मसला है यार मेरे ख्याल से भाई, यार इसको क्या मसला है। एक तो यार इसका पहले तेल खत्म हो गया, तेल डाल के बाद में फिर से वही सीन, लगी तो नहीं भाई, इसका ब्रेक का फॉल्ट है यार। अभी ऊपर जाते टाइम भी इसका क्रैश हुआ, नीचे आते टाइम भी, यहाँ पे सीन ही सीन हो रहे हैं। मेरा मन कर रहा है डोमिनर चलाने का भाई, यहाँ पे हमेशा से मेरे को सांस चढ़ती है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। अभी मेरे पास सबसे पावरफुल बीस्ट है, अभी इसको फुल पावर भगाने वाला हूँ मैं। और पिछली बार मैंने 127 ली थी, बट अभी यहाँ पे रोड नहीं है उतना अच्छा, तो देखते हैं भाई। यार यहाँ पे सीन ही सीन हो रहे हैं, अब इसकी शायद स्प्रिंग मेरे ख्याल से स्टैंड की निकल गई, क्रैश होते टाइम तो होना ही है, कुछ ना कुछ स्प्रिंग टूट गई इस बाइक की। अभी बहुत लेट हो गया यार, काफी टाइम से हम यहाँ पे बैठे हुए थे। ओ भाई इसका स्टैंड लगा हुआ है भाई, इसको कुछ कर यार, वो देखो देखो लग रहा है यार, गिर जाएगा। हम निकलते हैं यार, आ जाओ अपने हिसाब से, यहाँ पे बहुत लेट हो गया, अपनी केटीएम आगे चल रही है। ओह इसकी हॉर्न बहुत प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी शीप सारी आगे से, अपनी केटीएम के साथ ही ट्रैक करते हैं। आ जाओ भाई। यार इसका टायर बहुत गंजा है, मैं डरता हूँ, मजा ही आ जाता है इस पे आके, बिकॉज में पावर बहुत है यार। लीन के टाइम पे अगर इंसान खींचता है ना, थ्रॉटल छोड़ने वाला नाम नहीं लेती भाई, छोटे मोटे क्रैश हुए यार। ओहो अभी स्पीड देखी मैंने यार, 108 थी भाई, देख रहे हो कैसी रोड पे 110 स्पीड होती है। बट यार अपन फुल पावर चल रहे बिकॉज यार बहुत लेट हो गया, मेरे को थोड़े बहुत काम थे, हम बहुत जल्दी आए थे यार, और थोड़ा बहुत बैठे भी हम, बातें वगैरह कर ली, भद्रवाह से आए हुए थे ये भाई वगैरह, रमजान में तो कुछ खा भी नहीं सकते, आपको पता है रोजा होता है,
तो अभी निकलते हैं यहाँ से वापस, वापस आ चुके हैं हम, संग्राम वाटा पहुँचने वाले हैं। अब जो है हाफ स्लीव्स पे थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है, क्योंकि इवनिंग के टाइम आपको पता है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है यार। KTM डोमिनर है भाई, चलो देखते हैं कितना जाती है। चल चल भाई, भाई यहाँ से मार्केट एरिया है, रुकानी मुश्किल हो जानी है बाद में, इसलिए उतना ही खींचते हैं जितनी सिर्फ बनेगी। समीर भाई बोल रहे बहुत गंदी चला रहा है यार, ओ आराम से आराम से। मेरे को तो बिल्कुल हाथ बैठा हुआ है, बट यार मशीनरी किसी की नहीं होती। भाई आगे देख रहे हो कितना खतरनाक नाका लगा हुआ है, तो रुकाने आ रहा है भाई। हेलमेट लगाए सर सर देख रहा था मैं, हेलमेट लगाए सर, कोई टेंशन नहीं है यार। ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, पिछले व्लॉग में मैंने बहुत तारीफ करी इसकी कंफर्टेबिलिटी को लेके, बट यार सच्ची में यार मजा आता है इसको चलाने में, इंसान थकता भी नहीं है ना ही झुकना पड़ता है। बट कंट्रोल, अगर कंट्रोल से बाहर अगर चले जाती है ना वो कोई भी बाइक हो यार, फिर मुश्किल होता है कंट्रोल में लाना। वो राइडर को पता होगा जो चलाता है भाई, अभी आपने देखा कि छोटे मोटे क्रैशेज हुए यार, उतना चलता है वो फन होता है यार। बट यार अगर हाईवे पे कहीं गलत वाला क्रैश हो जाए ना, फिर यार बड़े सीन होते हैं, पुलिस फोन लेके रुकी होती है भाई, कौन बिना हेलमेट के आएगा और फोटो उड़ जाना है उसका। रिएक्शन देख रहे हो इसके, तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो बॉम्ब होने वाली है भाई, प्रॉमिस आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो बॉम्ब होने वाली है। तो बाय बाय, टेक केयर।